क्रेजी ऑडियो एंड क्रेजी वीडियो क्वालिटी एकदम मस्त है भाई। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर एवरेज इंडियन ब्लॉगर एंड थैंक यू फॉर द लवली सपोर्ट जो आप प्रीवियस वीडियोस पे दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है आपका सपोर्ट देख के और इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहो और देखते रहो, ऐसे ही कमाल वीडियो आते रहेंगे। सो अभी बज चुके हैं दिन के 12। हाँ मैं लेट हो चुका हूँ बहुत, क्योंकि मैं लेट सोया था, कुछ काम कर रहा था, तो अभी बज गए हैं 12। मैं सीधा नहा धो के बाहर निकला हूँ, कैमरा उठा लिया ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल, क्योंकि हम अनबॉक्स करने वाले एक बहुत ही स्पेशल चीज जो कि आप टाइटल में देख ही चुके होंगे, मजा आने वाला है, अनबॉक्स करेंगे। उसके बाद मैं आपको देने वाला हूँ एक मेरा इन हाउस जो होम थिएटर हमने ऊपर वाले फ्लोर पे सेटअप करा है उसका टूर। सो स्टे ट्यून्ड, अनबॉक्सिंग देखो और पूरा जो होम थिएटर है उसका सेटअप देखो। सो फाइनली आप उस पार्ट में आ गए हो जो कि आपने टाइटल में देखा हो, वी आर रिव्यूइंग और अनबॉक्सिंग। एक्चुअली अनबॉक्सिंग है, रिव्यू तो अपन बाद में दे देंगे। तो वी आर अनबॉक्सिंग अ 4K प्रोजेक्टर बाय BenQ दैट इज मॉडल्ड, यू कैन सी ओवर हियर, TK800M। और ये 2 लाख रुपए का प्रोजेक्टर है जिसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे अंदर क्या क्या कंटेंट हमें मिलने वाला है। नॉट कंटेंट तो मैं बना रहा हूँ बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो कंटेंट देखते हैं इसके अंदर क्या है और सीधा अनबॉक्स करते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करना, देखते हैं 2 लाख के काबिल है ये प्रोजेक्टर की नहीं। तो ये है बॉक्स जो आप देख रहे हो मेरे पास, थोड़ा सा अनबॉक्सिंग चालू करते हैं। मैंने पैकिंग काट दी है, इसका मैंने सील तोड़ दी थी, ये बॉक्स को मैं ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। दिस इज हाउ इट लुक्स, ओके लेट्स सी। तो ऐसी ये कुछ एक आपको पावर केबल मिलने वाली है, इसको करते हैं साइड में, ये इसका पाउच वगैरह जो भी है, और थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, 2 लाख रुपए का सामान है, तो इसको मैं थोड़ा खड़ा हो जाता हूँ। एक मिनट, ये शायद इसका रिमोट है जो कि पैक है अभी, इसको खोलूंगा, थोड़ा साइड में रखता हूँ इसको अभी। एंड सम पेपर वर्क, CD एंड एक्स्ट्रा बैटरी, एंड हेयर इज द मेन थिंग, जिसको निकालना है। ओके, ये है, इसको करते हैं साइड, इसकी जो पैकिंग है इसको निकाल देते हैं, ये पैकिंग। तो फाइनल रिवील आपके सामने, बाप रे क्या जटाक सा कलर है एकदम, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो बैक में ही आपको कुछ पोर्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ऑडियो इन ऑडियो आउट, PC कनेक्ट करने का पोर्ट, HDMI के 2 पोर्ट्स, मिनी USB का भी एक पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पर, और टाइप ए केबल का भी पोर्ट दिया हुआ है जी। ये एक्चुअली एक ये USB पावर्ड पोर्ट है, मतलब आप इस प्रोजेक्ट को USB से भी पावर कर सकते हैं। सो दैट इज इट, इट हैज़ वेरियस अदर मोड्स। ये एक फुटबॉल मोड दिया हुआ है इस प्रोजेक्टर में, जो कि अगर आप फुटबॉल गेम्स देख रहे हैं तो उनको एक मोर रियलिस्टिक सा थोड़ा फीचर देता है, सो दैट्स अ काइंड ऑफ सीन। एक ये लॉक बटन जो कि किसी काम आता नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि प्रोजेक्टर आप रखते हो थोड़ा हाइट पे या फिर माउंट कराते हो आप वॉल में, तो किसी बच्चे की रीच से तो ऊपर ही रहता है, सो दैट्स अ काइंड ऑफ सीन। बैक में कुछ खास नहीं है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ पे आपको मिल जाता है लेंस की जूम को एडजस्ट करने के लिए ये। इसको अनबॉक्सिंग तो कर लिया है, देखने में बहुत शानदार लग रहा है, स्लीक सा डिजाइन है और ये कलर एकदम शानदार है। कमिंग बैक टू द रिमोट एंड द बॉक्स, बॉक्स पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि ये 4K सपोर्ट करता है, HD HDR सपोर्ट करता है, 3D आप आराम से इंजॉय कर सकते हो अपने घर पे 3D मूवीज। सो ये फुटबॉल मोड जो मैंने आपको बताया वो भी है इसमें, और ये थोड़ा इसका डायमेंशन दिया है कि कितनी दूरी पे आप प्रोजेक्टर को लगाओगे तो कितने इंच का प्रोजेक्शन आपको मिल सकता है। तेरे बाप को मत सिखा चल। सो USB पावर जो मैंने बात की थी आपसे, और ये इट कम्स विद ए लैंप सेविंग मोड जिसमें कि लैंप पे मतलब कम लोड पड़ेगा। तो दिस इज बॉक्स, दिस इज द कंटेंट, ये आपका रिमोट है नॉर्मल सा, इसमें कुछ खास बताने को है नहीं। सो प्रोजेक्टर अनबॉक्स कर दिया है और प्रोजेक्टर जो है ऊपर होम थिएटर रूम में सेटअप पहले से ही हो चुका है। बहुत तेज हो रहा है। सीधा आपको लेके चलता हूँ होम थिएटर रूम और चेक करते हैं प्रोजेक्टर की क्या क्वालिटी आ रही है, और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको वो क्वालिटी प्रोजेक्टर की कैसी लगी, एंड लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये है हमारा होम थिएटर रूम, टूर आएगा बाद में, सब टेंशन मत लो आप लोग, अभी के लिए
ऐसे ही देख लो थोड़ा सा, टूर में अच्छे से दूंगा। प्रोजेक्टर जो अनबॉक्स किया था वो ये लगा हुआ है इधर, और मैं अब इसको ऑन करता हूँ, वीडियो प्ले करता हूँ और दिखाता हूँ क्या क्वालिटी आने वाली है। एक तो इस सिस्टम को ऑन करने के लिए इतने सारे रिमोट्स हैं, पहले तो ये मेन पावर ऑन करो और मैं आपको दिखा दूँ। ये सब रिमोट्स जो हैं, ये जो यहाँ सिस्टम लगे हुए हैं यहाँ पे सारे, इन सब के रिमोट्स है ये। सो मैंने कैमरा सेटअप कर दिया, तो मैं बेसिकली आपको दो क्लिप्स दिखाऊंगा, एक HD क्लिप और एक 4K क्लिप। तो बेसिकली ये प्रोजेक्टर क्या करता है, ये जो 4K क्लिप होती है वो तो आपको 4K में दिखाता ही है, पर अगर आपके पास कोई HD क्लिप है ये उसको भी अपस्केल करता है 4K में और फिर प्रोजेक्ट करता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक 4K क्लिप फिर एक HD क्लिप। सो हियर यू सी, मैं जा रहा हूँ ये UHD फोल्डर में, इसमें कुछ मूवीज़ हैं, तो हम डेडपूल का एक सीन देख लेते हैं जो कि 4K में शूट है। सी इनपुट में भी आपको 4K 24 दिख रहा होगा और आउटपुट में भी 4K 24। सो दिस इज हाउ द प्रोजेक्टर वर्क। ये है पहली क्लिप, सी आप देखो। सो क्वालिटी अगर कैमरे में मेरे को पता नहीं ये सही से दिख रहा है कि नहीं, पर यहाँ से देखने में ये बहुत शानदार लग रहा है। सो जो HD को 4K कन्वर्ट करने वाला सिस्टम है वो प्रोजेक्टर में मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भूल गया था कि जो हमारे पास AV रिसीवर लगा है वो प्रोजेक्टर के अपस्केल करने से पहले यहाँ से ही उसको 4K भेज रहा है, तो वो शो नहीं हो पा रहा है। मतलब 4K यहीं से ट्रांसफर होकर सीधे प्रोजेक्टर में जा रहा है, तो मतलब अब क्या ही बताऊँ। समझ रहे हो ना, दोनों चीज़ें ऐसी लगी हैं कि वो 4K कन्वर्ट कर ही देती हैं। तो ऐसा कुछ सीन है, मतलब कुछ भी पिक्चर आपको देखनी है तो वो HD हो तो 4K हो जाएगी और 4K है तो 4K फिर चलेगा ही। तो ये कुछ वीडियो मैंने आपको दिखाया, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट डाउन करके मेरे को बताना कि कैसा लगा ये आउटपुट आपको इस प्रोजेक्टर का। और मेरे हिसाब से तो प्रोजेक्टर ने कमाल किया है, गुड जॉब, वेल डन। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगर मैं इसमें सेटअप और टूर देने पे आया तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग हो जाओगे बोर। तो मैं जो सेटअप और टूर वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो के लिए रखता हूँ। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर द नेक्स्ट वीडियो गोज लाइव। आई सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस।